बहुत बार मैं लोगों को मिलता हूँ तो लोगों से एक क्वेश्चन हमेशा सुनता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है दांत नहीं हो तो, क्या फर्क पड़ता है एक हाथ दांत मिसिंग हुआ तो, क्या फर्क पड़ता है गम्स में ब्लीडिंग हो तो, क्या फर्क पड़ता है अगर दांत में कैविटी हो तो। भगवान ने 32 दांत दिए, एक हाथ दो दांत गया तो क्या फर्क पड़ता है। सो ये कॉमनली मैं क्वेश्चन लोगों सुनते रहता हूँ, पर भगवान ने 32 दांत दिए क्यों है, हर एक का कोई पर्पज है और हर एक दांत का शेप अलग अलग है, क्यों है? बिकॉज टीथ जो होते हैं, जो शेप, उनका हर एक दांत का पर्पज अलग, किसी का पर्पज कटिंग का होता है, किसी का क्रशिंग का होता है, किसी का चिविंग का होता है। हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, डेंटिस्ट के पास जाने को कतराते हैं, यार छोड़ देना, देखेंगे दूध, जब प्रॉब्लम बढ़ेगा तब डेंटिस्ट के पास जाएंगे, पर हम गलती कर रहे हैं। अगर एक भी दांत मिसिंग हो तो इट कैन डिस्टर्ब योर सिस्टम। अगर हमने साइकिल का स्पोक देखा है, हमने अगर एक भी स्पोक नहीं हो तो क्या होता है, उसका साइकिल बेंड होना शुरू कर देता है। सिमिलरली अगर अपने मुंह में एक दांत नहीं है या फिर कुछ दांत टेढ़े मेढ़े हैं अपने, तो हमारा जो बाइटिंग सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड दैट कैन अफेक्ट योर चीविंग, और अगर अपना चीविंग अफेक्ट हुआ तो ओवरऑल अपना डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है। सो मैंने देखा है काफ़ी पेशेंट में मोटापा होना, एसिडिटी होना, या लिवर प्रॉब्लम होना, या फिर जल्दी ओल्ड एज आना, या फिर हेयर फॉल होना। आई हैव सीन दैट सच पेशेंट हैव एन इश्यू विद देयर स्पर्म एक्टिविटी। सो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ओरल कैविटी जो है ना, ये महाद्वार है, ये हेल्थ का भी है और डिसीज का है। अगर हमको हेल्दी रहना है तो वी शुड हैव ऑल सेट ऑफ टीथ इन माउथ, दैट इज थर्ड टीथ, ताकि चीविंग प्रॉपर हो, क्रशिंग प्रॉपर हो और अपना डाइजेस्ट सिस्टम प्रॉपर हो, ताकि हम हेल्दी रहे, नॉर्मल रहे। अगर हमको लग रहा है कहीं पे भी कुछ भी इश्यू है, हमको लग रहा है ब्लीडिंग है गम्स में या कीटाणु है गम्स में या कहीं में दांत टेढ़े मेढ़े हैं, वी शुड फर्स्ट गो एंड कंसल्ट डेंटिस्ट। आपने देखा होगा कोई भी कोई कार्डियक प्रॉब्लम होता है, कहीं किसी को नी प्रॉब्लम होता है, अगर सर्जन के पास जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलता है, फर्स्ट टेक अ डेंटल कंसल्ट। सिमिलरली अगर हमको कुछ भी मेडिकल इश्यू है बॉडी में, फर्स्ट वी नीड टू गो टू डेंटिस्ट टू फाइंड आउट इज दिस इज राइट। अगर ये हेल्दी है ना तो बॉडी हेल्दी है, अगर ये सही है ना तो अपनी लाइफ सही है, पर यहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस है तो अपने लाइफ में डिस्टर्बेंस है। सो फर्स्ट गिवन अ चांस, यू फाइंड दैट देयर इज सिंपल प्रॉब्लम विद द टीथ, विजिट डेंटिस्ट, और जस्ट मेक श्योर दैट वंस इन 6 मंथ आप डेंटिस्ट का रूटीनली चेकअप के लिए जाओ, ताकि हमारे दांत और हमारा शरीर हेल्दी रहे। थैंक यू।